जय माता की। कैसे हो आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ माँ की कृपा होती वहाँ ठीक होते। शाम के 5:30 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं मंदिर। ये देखो पति देव घर पे है, चाय पी रहे हैं, अभी तक सोए हैं। सुबह 10:30 बजे से लेकर के और अभी तक सोए हैं। कोई टाइम नहीं है यार हमको तो भैया, पूरा दिन नींद नहीं आती, हम क्या करें। हमने चावल बनाया, ऊपर थे पड़े हुए थे मेरे चावल, मैंने धूप में थोड़ी देर के लिए रखा था। वैसे तो चावल को धूप में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि जो छोटे छोटे पापे हो गए थे ना, तो मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया। इसके बाद जल्दी से मैंने 5 किलो चावल को चाला और बीना, उसको मैंने साफ करके रखा। 3 बजे मैंने खाना खाया और मात्र मैंने 10 मिनट आराम किया। पूरा काम निपटाने के बाद अब थोड़ा सा जा रही हूँ मंदिर। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं भजन कीर्तन के बाद। और पति देव चाले करके गोल हो गए, पता नहीं कहाँ गए। पति देव से पता नहीं कहाँ गए। अब तो खोजना पड़ेगा, पता ही नहीं है कहाँ गए। वैसे तो सासू माँ को कहें कि चलिए मंदिर, पर वो भी नहीं जाने के लिए तैयार है। कह रही भैया हम ना जा, अब हमका दिल करोना बहुत जोर है। और देखिए इस समय भी हमने पूरा दिन आराम भी नहीं किया है और सुबह 4:30 बजे के उठे हैं। पूरा काम निपटाने के बाद भी अभी भी मतलब, लेकिन शाम को ना 7 बजे के बाद ना सुस्ती से चाय पी करके फिर थोड़ा सा आराम मिलता है, क्योंकि हम चाय ना 2-3 बार पी लेती हैं। और ये असर आया है सासू माँ का, सासू माँ बहुत चाय पीती है ना, तो वो भी हमको भी पिलाती थी और अपना भी पीती थी। पूरा दिन सासू माँ खाना नहीं खाती है, उनको दिन में 5 बार चाय चाहिए और आज भी उसी तरह पीती है और हमको भी पिलाती है। इसीलिए तो हम लोगों का तीजा में ना दोनों का हाल बेहाल रहता, हम लोग समय दोनों टंटन को पाल हो जाते हैं और दोनों का संदर्द होता है, दोनों की गैस बनती है, दोनों लोग न एक दूसरे के मेहंदी लगा पाते हैं। अब देखिए भोले बाबा की कृपा होगी तो अच्छा ही तीजा जाए। 21 को है तीज, तो चलिए अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। Yeah.
गर्जनी माता की जय, सभी देवताओं की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण, गंगा गीता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण मुरारिया वाले बंशी वाले की जय, जय जय सीताराम, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे शंभू की जय। गाना बजाना भजन कीर्तन गा करके देखो कृष्णा मनु कितनी मस्ती कर रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, ये मनु मस्ती पे लगा हुआ है, ये मनु मस्ती कर रहा है। पति देव कहीं और बैठे हुए हैं लेकिन अब जा रहे हैं फटाफट घर का आरती पूजा करने, इसके बाद खाना रेडी करने, शाम का बहुत सारे काम अभी जाना है, 10:30 बजे खाली होगा। और मैं ना घर में मतलब खाना बनाने के बाद ना बर्तन रात में ही साफ करती हूँ, 10:30-11 बजे चाहे 12 बज जाए लेकिन मेरी किचन कभी गंदी नहीं मिलेगी, पूरा काम करने के बाद तभी मुझे नींद पड़ेगी। अगर किचन गंदी रहती है ना तो हम सो भी नहीं पाते हैं, रात भर अपने आएंगे किचन के। इसके बाद अब कल मिलते हैं, जय माता की। रियांश बाबू हैप्पी बर्थडे, प्रीति है बॉम्बे से, और ये है पूजा, और हमारे भत्ते आज ये है अमन, मेरे रायबरेली से मेरी नंद के लड़के, और कृष्ण कन्हैया और राधा रानी उज्जैन में प्रीति की लड़की है। और कल का भजन, सबकी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भेज रही हूँ, सबको माता रानी कुशल मंगल रखें। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मेरे भजन सबकी बर्थडे बातें सब अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय माता की।